भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय सुमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा खबरें आपको मिलने वाली है और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलने वाली है, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है साकेत मुक्ति आंदोलन को लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, साकेत मुक्ति आंदोलन की दो याचिकाएं एक हाई कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में डली हुई थी, लेकिन दोनों ही कोर्ट से याचिकाएं रद्द हो गई और जो याचिकाकर्ता थे उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया कोर्ट की तरफ से। अब भंते सुमित रतन जी लाइव आए हैं और उनका कहना है कि जो साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम है, जो ये पूरा संगठन है, ये 1 तारीख से अनिश्चित काल के हड़ताल पर जा रहा है और ये हड़ताल कभी तक भी हो सकती है, 1 साल तक भी चल सकती है और अनिश्चित काल तक के लिए चल सकती है। तो क्या कहना है उनका, ये वीडियो देखो। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है, साकेत मुक्ति आंदोलन ने, साकेत मुक्ति आंदोलन की सभी टीमों ने, सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। ये धरना प्रदर्शन 1 वर्ष भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है, 1 महीने भी चल सकता है, जब तक संविधान के दायरे में रहकर देश भारत की सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। भंते जी साफ साफ कह रहे हैं कि हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो कानून के विरोध हो, जो संविधान के विरोध हो, हम तो संविधान की बात कह रहे हैं कि जो पूरा तत्व विभाग है वो सारी चीज़ें जांचे और सही से फैसला ले। लेकिन ये जो भारत का न्यायपालिका अब ब्राह्मण पालिका बन चुका है, ये केवल ब्राह्मणों के हक में फैसले दे रहा है। तो क्या आप लोग साकेत मुक्ति आंदोलन में साथ है या नहीं है, उसके लिए जी जान लगा दोगे या नहीं लगा दोगे, नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है दशुद्रा की तरफ से। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, दशुद्रा भोजन समाज का एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके करीब 3,20,000 सब्सक्राइबर्स है। अब दशुद्रा को अपना सिल्वर प्ले बटन जो कि यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट होता है और अमेरिका से आता है, मिल गया है। तो सुमित चौहान जी ने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो देखिए। जियो तो फाइनली उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया और फाइनली ये अवार्ड जो है अब हम लोगों तक आया है और ये सब आप लोगों की बदौलत है। अभी बहुत सारे अवार्ड यूट्यूब की तरफ से भी दिए जाते हैं और बाकी भी बहुत सारे माइलस्टोन हमें स्थापित करने हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। सबसे पहले तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरी भोजन आर्मी है, उनकी तरफ से दशुद्रा की टीम को बहुत बहुत बधाई। और भाई दोस्तों देखो क्या बोलते, जब किसी भी चैनल के यूट्यूब के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो यूट्यूब उन्हें ये गिफ्ट देता है। तो मेरे अभी 56,000 हो गए हैं, तो प्लीज़ 1 लाख जल्दी से कर दो यार, फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मेरे 1 लाख जल्दी जैसी होंगे हमारी भोजन आर्मी को भी भाई सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा, तो जल्दी सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है धागा टीवी को लेकर। धागा टीवी के अरुण गौतम जी ने अपने कम्युनिटी बॉक्स में, उनके चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो बंद करने वाले हैं धागा टीवी यूट्यूब चैनल, जो कि भोजन समाज का बहुत बड़ा चैनल है। इसका कारण उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में वो दिल्ली छोड़कर अपने गांव चले गए हैं, उन्हें कई सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक सपोर्ट उन्हें कहीं से मिल नहीं पा रहा है, वो अपने चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और चैनल से भी उनकी अच्छी खासी कोई अर्निंग नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पा रहे। इसलिए तो गाइज उन्होंने बोला है कि अब वो धाकर टीवी चैनल बंद करना चाहते हैं, ऐसी बात उन्होंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाली है। तो आप क्या चाहते हो, धाकर टीवी बंद हो या नहीं हो? अगर नहीं चाहते हो तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट सारी डिटेल्स उनके कम्युनिटी बॉक्स में दिए, आप वहाँ पर जाके उनको सपोर्ट कर सकते हो। और गाइज आप लोग भोजन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हो और अपने भाई का भी सपोर्ट करना चाहते हो तो भारत दस्तक को ज्वाइन बटन मिल गया है, तो आप केवल 29 रुपये, हाँ भाई हर महीने के केवल 29 रुपये दे के मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। तो करूँगे क्या? दोस्तों अगली स्टोरी जो निकल कर आ रही है वो आ रही है नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर है शंभू कुमार जी, उन्होंने एक बात बताई है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों के अंदर, अभी तक भारत के अंदर 6 साल में सिर्फ 900 कार्यालय बना के तैयार कर दिए हैं। हाँ भाई 500 कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है और 400 कार्यालयों का अभी काम चल रहा है, उनका भी जल्दी से उद्घाटन हो ही जाएगा। तो शंभू कुमार जी क्या बोलते हैं इस बात को लेकर, ये वीडियो देखिए। आपके नज़र में लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर हैं आपके नज़र में, अब बताइए 700 जो दफ्तर, 900 जो दफ्तर है जिसमें 500 बन गए हैं, ये पैसा कहाँ से आया होगा? तो ये है बीजेपी का असली विकास कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई है 900 दफ्तरों के साथ, सोचिए कितनी बड़ी पार्टी है।
कहाँ आप पैदल चल रहे हैं, रोजी रोजगार के चक्कर में सवाल पूछ रहे हैं, अस्पताल स्कूल का सवाल पूछ रहे हैं। फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में लिंक है। जिन लोगों को लालू यादव, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, हेमंत सोरेन जी, स्टालिन जी चोर नजर आते हैं, गुंडे नजर आते हैं, जिनको मीडिया पूरा बदनाम करते रहती है, लेकिन मीडिया को ये साली भांड मीडिया को ये 900 कार्यालय नहीं दिख रहे जो ये बीजेपी जनता के पैसों से बना रही है, जनता के पैसों से बना रही है भाई। इस बारे में क्या बोलोगे आप लोग, आपके टैक्स का पैसा, आपके पाई पाई से जोड़कर जो आपने पैसा कमाया है वो पैसों से आप टैक्स भरते हो और फिर वो उस टैक्स का ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाती है, क्या बोलोगे इसके बारे में नीचे कमेंट करो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है मायावती जी को लेकर और उनको बदनाम कर रहे कुछ यूट्यूबर चैनल को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा राजस्थान के मामले में मायावती जी की पार्टी बीएसपी ने एक व्हिप जारी करा था जिसमें बोला गया था कि जो बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए थे, अगर विधानसभा के अंदर कोई चुनाव होता है, कोई वोटिंग होती है, तो उन 6 विधायकों को कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करना होगा, कांग्रेस को हराने का काम करना होगा, ये मायावती जी की पार्टी ने बोला। बस इतना ही कहने के बाद कुछ कांग्रेसी चमचे और कुछ कांग्रेसी समर्थक चैनल जो यूट्यूब के ऊपर है उनके पिछवाड़े में आग लगने लगी, उछल रहे वो तवे पे, गरम तवे पर। उनका कहना है कि मायावती जी बीएसपी पार्टी को अब लगता है बीजेपी में विलय करने वाली है, बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, मायावती जी अब मोदी से डर रही है क्योंकि मायावती जी ने पूर्व में बहुत सारे घोटाले किए हैं तो मोदी जी उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा रहे हैं, इसलिए दबाव में आकर मायावती जी कांग्रेस को हराने का काम कर रही है। तो ये वीडियो देखो। जानकारों का कहना है कि मायावती के चुप होने का कारण यह है कि अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाती है तो हो सकता है कि मायावती के खिलाफ जो है बीजेपी की तरफ से जो भ्रष्टाचार के मामले उनके सरकार के दौरान हुए हैं उन्हें खोल दिया जाएगा और मायावती को जो है वो इंक्वायरी में फंसाने का काम कर सकते हैं। और यही कारण है कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नजदीक आ चुकी है और कांग्रेस से दूर जाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के मझधार में अटकी हुई है तो यहाँ पर इस नैया में छेद करने का काम मायावती की तरफ से भी किया जा रहा है। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। ये एक यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा चैनल है, इसका नाम है HW न्यूज नेटवर्क, जो कि मायावती जी के खिलाफ खबर चला रहा है और इसलिए चला रहा है क्योंकि मायावती जी ने राजस्थान में व्हिप जारी करा है और कहा है कि कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करना, इसलिए इस कांग्रेसी चैनल के पिछवाड़े में आग सी लग गई है। ऐसे कई सारे चैनल है, ऐसे कई सारे कांग्रेसी चमचे है जो मायावती जी को बदनाम कर रहे हैं। भाई मेरा तो एक ही साफ कहना है, बीएसपी खुद एक पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपने जो चाहे वो फैसले कर सकती है कि उसे कांग्रेस को सपोर्ट करना है या नहीं करना है, उसे बीजेपी को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। अगर वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मायावती जी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो गाइस इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो और ऐसे चमचों के बारे में और ऐसे चैनल्स के बारे में तो नीचे कमेंट करके बताओ जो मायावती जी को बदनाम कर रहे हैं, तो कमेंट करो नीचे। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतने ही। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।